उनके ठीक होने की सिर्फ एक ही उम्मीद है, उनका पोता कबीर। कबीर राजकौर परिवार का बेटा है, धीरेन राजकौर की संतान है वो। कबीर को प्लीज अपने घर लौटने दीजिए, प्लीज। सच ये है कि कबीर धीरेन राजकौर का बेटा है। प्लीज मेरी बात मान लो, प्लीज कबीर राजकौर निवास चल लो। अमरा लल्ला यादव परिवार का खून है, राजकौर परिवार का नहीं। ये तेरा घर? कबीर राजकौर परिवार का बेटा। अमरा लल्ला यादव परिवार का खून है। तू कहीं नहीं जाएगा बेटा। एक ही सच ये है कि कबीर धीरेन राजकौर का बेटा है। तेरा घर है ये। अरे रे रे रे, तो फिर आ गई हाँ? काकी, बापू जी की जान खतरे में, आप प्लीज कबीर को मेरे साथ राजकौर निवास भेज दीजिए। हम पहले भी कहे हैं, कबीर कहीं नहीं जाएगा, समझी? चलो निकलो यहाँ से। घूर कर रही, तुमको क्या लगता है हम डर जाएंगे? कबीर राजकौर परिवार का बेटा है, आपको आज नहीं तो कल ये सच्चाई माननी होगी काकी। और एक ना एक दिन तो कबीर को राजकौर परिवार में आना ही होगा। अरे बा, ऐसे कैसे चला जाएगा हाँ? भले ही कबीर हमारी औलाद नहीं है, लेकिन बचपन से लेकर आज तक खर्चा उस पे उतना ही किए हैं जितना अपनी औलाद पर करते। अरे दूध पिलाए हम, खाना खिलाए हम, स्कूल भेजे हम, और जब कमाने की बारी आई तो लेकर फुर हो जाओगी तुम। हम तो अपने घर का कूड़ा भी मुफ्त में नहीं देते, और तुम तो हमारे कमाओ कूद को मांग रही हो। मैं समझ सकती हूँ काकी, अपने जवान बेटे को खुद से दूर करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। आपकी मुश्किल का, आपके दुख का मैं अंदाजा तो नहीं लगा सकती, पर उसे कम करने की कोशिश जरूर कर सकती हूँ। अरे ऐसी कहाँ चली गई? काकी ये रख लीजिए और कबीर को मेरे साथ भेज दीजिए। मैं समझ सकती हूँ कि माँ बाप अपने बच्चे को इसी उम्मीद में पालते हैं कि वो बुढ़ापे में उनका सहारा बनेंगे, हर चीज में उनको सपोर्ट करेंगे, पर मैं यहाँ आपका सपोर्ट मांगने आई हूँ। आप प्लीज कबीर को मेरे साथ भेज दीजिए और बदले में ये रख लीजिए। अभी ये पैसा हमरे दुख की भरपाई थोड़े ही न कर सकता है। हमको सबसे बड़ा धोखा तो हमरे पति ने दिया है, सीना छलनी करके रख दिया हमरा। हम भी समझते हैं इसमें कबीर का कोनो दोष नहीं है, आखिर उसके रगों में धीरेन भाई राजकौर का खून दौड़ रहा है। आज नहीं तो कल वो चला ही जाएगा। इसीलिए हम सोचे कि हम उसके और तुम्हारे परिवार के बीच दीवार नहीं बनेंगे। अब बिटिया तू तो बहुत समझदार है, अब कबीर को समझा सकती है तो समझा के ले जा। अरे जब से ये सदमा लगा है तब से पागलों की तरह यहाँ वहां भटक रहा है बेचारा। अब सुन, ये सब तो वो दिखाई है, समय समय पर किस्तें देती जाना, ठीक है?